Good morning, student. So today we are going to start exercise 8.2. So in last lecture we had completed up to chapter question number 4. So in this lecture we are going to start question number 5A. So listen carefully. So convert into the whole quantity. हमारे पास ये जो question दिया गया है 5% of 250. तो इसका whole quantity हमें find करनी है. तो सपोज इसका मतलब ये होता है कि सपोज आपके पास होल क्वांटिटी है, अगर इसमें आपके 5% इतने की वैल्यू गिवन है तो आप ये पूरी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एक्स. ठीक है, तो लेट होल क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, होल क्वांटिटी को एक्स मानेंगे. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 250. इसका मतलब यही तो होगा ना, हमें 5% ऑफ 250, 5% जब 250 होता है तो उसकी होल क्वांटिटी हमें निकालनी है. यानी कि मान लेते हैं कि वो होल क्वांटिटी एक्स है. ठीक है, तो 5% ऑफ एक्स क्या है, दिया है 250. तो यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकाल सकते हैं तो हमारा वो आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो याद करिए क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको समझाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो 5% ऑफ x क्या होगा, यानी 5% की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और x यहाँ पे लिखेंगे, फिर 250. अब इस 250 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, तो 5/100 है. ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, 1/20, तो ये हो जाएगा x बाई 20 इज इक्वल टू 250. सिंपली इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाई 20. x इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5000. ठीक है, यानी जो हमारा होल क्वांटिटी है वो 5000 है. ठीक है, तो जो हमारे होल क्वांटिटी है वो 5000 है और इसका 5% यहाँ पे गिवन है. ठीक है, आई बात समझ में. तो इस तरीके से ये इक्वेशन बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, पहले हमने लेट किया कि होल क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, फिर 5% ऑफ एक्स गिवन है. ठीक है, 250 है. उसके बाद हमने क्या किया, ये मैंने आपको पहले सिखाया था कि परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड बाई 100 करते हैं. ठीक है, तो एक परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, तो ये क्या हो जाएगा, 5/100 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे, और x फिर 250. फिर हमने इसे कट किया तो ये 20 आया, तो x बाई 20 इज इक्वल टू 250. उसके बाद x की वैल्यू निकाल दी 5000, तो जो हमारी होल क्वांटिटी हो गई इक्वल टू 5000. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो आप अपने बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, तो उसे रीड करिए. तो क्वेश्चन क्या दिया है कि हमें जो क्वेश्चन नंबर ए है उसे पहले कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में. ठीक है, एंड ऑल्सो फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म. यानी हमारा जो क्वेश्चन नंबर ए है वो है 25%. ठीक है, तो 25% को हमें चेंज करना है किस किस में, पहले तो डेसिमल में चेंज करना है और सेकेंडली हमें किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में, वो भी लोवेस्ट टर्म. ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 25%, तो ध्यान दीजिए कि किसी भी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है, ठीक है, तो परसेंटेज हटाने के लिए हम ऑलवेज क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100 करते हैं. ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100. ठीक है, तो अब इस परसेंटेज को हटाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होगा. ठीक है, तो देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 25 डिवाइड बाई 100. फिर 25 डिवाइड बाई 100 हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल आउट कर देंगे, ये 4 आ जाएगा 1. तो ये आंसर क्या हो गया, 1/4. ये हमारा आंसर हो गया फ्रैक्शन में. ठीक है, लेकिन हमें डेसिमल में भी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, यही से डायरेक्ट 25/100 है. ठीक है, जब इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 20 है, तो ये क्या हो जाएगा,
टू डिजिट के बाद डेसिमल बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया डेसिमल में। आई होप कि आप लोग को अच्छा समझ में आ रही होगी। ठीक है, पहले क्या किया, पहले क्वेश्चन दिया है 25%, 25% को हमें डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था परसेंटेज हटाने के लिए हमें डिवाइड बाई 100 करना होता है। ठीक है, तो अभी परसेंटेज है तो उसे हटाने के लिए हम क्या किए, डिवाइड बाई 100, तो ये 25 में डिवाइड बाई 100 कर दिए। उसके बाद मैंने इसे कैंसल आउट किया तो 1/4 आया। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन वाला आंसर हो गया। अब सेकेंडली हम क्या किया, अब इसे डेसिमल में भी हमें कन्वर्ट करना है कि 25 डिवाइड बाई 100 है, चाहे 2 जीरो लगे हैं तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल। जैसे कि आपको डेसिमल में कन्वर्ट, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना आपने क्लास 5 या 4 में सीखा होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन अ सिटी 30% आर मेल्स, फीमेल्स 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, व्हाट पर्सन आर चिल्ड्रन। ठीक है, सिटी मेल पर्सन कितना है, मेल परसेंटेज इज इक्वल टू 30%। ठीक है, मेल पर्सन कितना है 30%, फीमेल पर्सन कितना है 40%। ठीक है, तो उसमें चिल्ड्रन की परसेंटेज क्या होगी, इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, यानी एक कोई सिटी है जहां पर मेल की परसेंटेज 30% दी है, फीमेल की 40% दी है और हमें चिल्ड्रन की फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेल और फीमेल के परसेंटेज को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। और हम जानते हैं कि जो हमारा परसेंटेज होता है वो ऑलवेज 100% के फॉर्म में होता है। ठीक है, कभी भी आप देखेंगे तो परसेंटेज हमेशा 100% ही होगा। तो यहाँ पर रिमेनिंग कितने बचे, तो 100% - 70%। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30%। ठीक है, तो जो चिल्ड्रन की परसेंटेज होगी 30%, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देख